में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ मकई के आटे के, जो हम मकई की रोटी बनाने के लिए जो मकई का आटा यूज करते पीला सा, उसके आज हम पकोड़े बनाएंगे और एकदम गर्मा गर्म सर्व करेंगे, वो भी डीप फ्राई मिर्च के साथ। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से आज हमारी रेसिपी बनने वाली है। देखिए बहुत कुरकुरे बनते हैं, बाहर से कुरकुरे है और अंदर से सॉफ्ट है, और खाने में बहुत मजा आता है जब बारिश हो रही हो। देखिए हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, तो इसमें खाने का मजा ही कुछ और है। तो फ्रेंड्स चलिए बिना देर किए रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स के पास चलते हैं। तो यहाँ पर मकई का आटा लिया है 1 बाउल, यानी लगभग ये 200 ग्राम मेरा मकई का आटा है। और लिया है मैंने बेसन 1 कप, यानी के 100 ग्राम लिया है। 2 से 3 चम्मच लिया है मैंने गेहूं का आटा। नमक लिया है स्वादानुसार, मैंने 1 चम्मच लिया, आप अपने स्वादानुसार लीजिएगा। अजवाइन लिया है 1 चम्मच। सोडा मुझे मैंने लिया है 1/2 चम्मच, बहुत कम लेना है सोडा। और कुछ ली है लहसुन की कलियां और हरी मिर्च के टुकड़े, और ये साबुत हरी मिर्च है, इसको कट्स लगा के लिया है, डीप फ्राई करेंगे हम। यहाँ पर लिया है प्याज, 2 मीडियम साइज़ के प्याज बारीक काट कर लिए हैं। और डीप फ्राई करने के लिए हमें ऑयल लगेगा, तो मैंने कढ़ाई में ही डाल के रखा है ऑयल। सबसे पहले हम करेंगे ये जो लहसुन और हरी मिर्च के टुकड़े हैं, इनको हमें बत्ते में पीस लेना है। अभी इसमें डालेंगे हम अजवाइन, अच्छे से कूट लेना है हमें इसको। तो कूटने के लिए हमें थोड़ा नमक डालना पड़ेगा, तभी इसका महीन अच्छे से पेस्ट होगा। थोड़ा दरदरा रहा तो भी चलेगा। इन सारी चीज़ों को हमें मिक्स करके अच्छे से कूट लेना है। ये देखिए इस तरह से अच्छे से कूटना है, कहीं इसमें साबुत लहसुन या हरी मिर्च ना रह जाए। हरी मिर्च के तो मैंने टुकड़े करके डाले हैं, इसीलिए डाले हैं कि वो अच्छे से बारीक हो जाए। ये देखिए इस तरह से हमें अच्छे से कूट लेना है। कूटने से इसका स्वाद दुगना हो जाता है। जो अजवाइन है वो भी हल्का सा क्रश होता है, तो उसका भी स्वाद हमारे पकौड़े में अच्छे से आता है। तो इसको ऐसे ही कर लेना है। आप चाहे तो मिक्सी में भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, लेकिन ऐसा टेस्ट अच्छा आता है। अभी एक बाउल लेना है, उसमें डालेंगे हमारा बारीक कटा हुआ प्याज। अब इसमें जाएगा हरी मिर्च, लहसुन और अजवाइन को जो हमने क्रश किया था वो डालेंगे। सारा पूरा का पूरा ही डाल देना है, इससे टेस्ट अच्छा आएगा। मेरा 1 चम्मच बन गया था, मैंने उतना भी डाल दिया। और बचा हुआ जो नमक था 1 चम्मच में से मैंने कुछ क्रश करने के लिए यूज़ किया, और जो बचा हुआ था वो भी इसमें ऐड किया है। तो अभी इसको प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये मिर्च, अजवाइन और सारा हमारा मसाला सारी प्याज को अच्छे से लग जाता है। इसको अच्छे से क्रश करके हमें इस तरह से चम्मच से मिक्स, ऐसा करने से मिर्च का स्वाद प्याज में उतर आता है। अब इसमें जाएगा हमारा मकई का आटा, आटे मिक्स कर लेंगे पहले। इसके बाद डालेंगे हम बेसन का आटा। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं पकोड़े। और इसमें जाएगा गेहूं का आटा। एक बेसन और गेहूं का आटा इसलिए डाला है क्योंकि जो मकई का आटा रहता है उसमें ग्लूटेन नहीं रहता है, वैसे चिपचिपा नहीं रहता है, तो उसको थोड़ा सा स्टिकी करने के लिए हमें गेहूं का और बेसन का आटा डालना पड़ता है, नहीं तो पकोड़े अच्छे स्पॉन्जी नहीं बनते अंदर से। तभी इसको मिक्स कर लेना है। मकई के आटे से हमारे जो पकोड़े हैं वो अच्छे से क्रिस्पी बनेंगे, और इसका टेस्ट भी बहुत अल्टीमेट आता है, आप ज़रूर बनाकर देखिएगा। मैंने हल्दी इसलिए नहीं डाली है क्योंकि मकई का आटा ऑलरेडी पीला रहता है, और ये ऐसे ही खाने में अच्छा लगता है। तो इसको पतला कर लेना है, पानी डाल डाल के हमें पैटर बना लेना है। देखिए कंसिस्टेंसी किस टाइप की होनी चाहिए, देखिए आप देख लीजिए। अगर आप सिर्फ मकई का आटा डालोगे तो ये उतना वैसे कंसिस्टेंसी का नहीं होगा जैसे पकोड़ा बनाने के लिए बैटर की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए।
इसलिए हमें मकई के आटे में गेहूं का आटा भी डालना पड़ता है। तो ये देखिए मेरा शूट थोड़ा स्किप हो गया था, मैंने इसमें सोडा डाला है, तो ये सोडा डाला है 1/2 चम्मच। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और सोडा डालने के बाद तुरंत हमें पकोड़े बनाने होते हैं। तो मैंने तेल भी गर्म होने के लिए रख दिया था। तो ये देखिए हमारा तेल भी अच्छे से गर्म हो चुका है। अभी हमें इसमें 1/1 पकोड़े छोड़ने हैं। ये देखिए आपको अगर चम्मच से छोड़ना पसंद है, हाथ लेटभेड़े हो जाते हैं तो वो पसंद नहीं है, तो इस तरह से चम्मच आप पानी में डुबोइए और उसके सहायता से भी छोड़ सकते हैं, लेकिन मुझे हाथ से कंफर्टेबल है तो मैं हमेशा हाथ से ही छोड़ती हूँ। हाथ से इसलिए छोड़ती हूँ क्योंकि जो पकौड़ों की साइज़ है वो एक जैसी आती है, स्पून से हमें पता नहीं चलता है इस कितना आता है। तो इसको ऐसे डालेंगे और अल्टी पल्टी करके हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। पकौड़ों को अल्टी पल्टी करते समय ध्यान रखें कि उसको हमें सिम गैस पर ही फ्राई करना है 2 से 3 मिनट के लिए, क्योंकि अगर फास्ट गैस किया तो ये बाहर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रहे। तो मैंने अभी फास्ट गैस कर दिया है और अभी देखिए 3 मिनट बाद हमारे पकौड़े अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। इनको अभी निकालेंगे टिश्यू पेपर पे, और हमेशा तली हुई चीज़ें टिश्यू पेपर पे ही निकाला करें, न्यूज़पेपर का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि न्यूज़पेपर की इंक जो रहती है वो हमारे फूड को लग सकती है और ऐसा फूड खाने से कैंसर हो सकता है, इसलिए वो इंक वाला पेपर कभी ना यूज़ करें। ऐसे कोरा कागज़ यूज़ करें आप नोटबुक का या फिर ऐसे टिश्यू पेपर। अभी मैं फ्राई करने जा रही हूँ मिर्चे। मिर्चे डालने के बाद थोड़ा सा साइड में हो जाना है कढ़ाई के, क्योंकि ये मिर्चे जो है वो तड़तड़ाने लगती है, चटकने लगती है, तो इसकी बीजे वगैरह इधर उधर हमारे हाथ पर वगैरह ऑयल जो गर्म ऑयल रहता है वो भी उड़ता है, नहीं तो ये इसकी बीजे आँख में चली जाती। थोड़ा सा परतनी है इधर, तो मैं दूसरा बैच फ्राई करने जा रही हूँ। देखिए हाथ से ही मैं इधर छोड़ रही हूँ। तो जितने हमारे पकोड़े तेल में बैठेंगे उतने हमें 1/1 इसमें छोड़ने हैं। ये देखिए मैंने बहुत सारे पकोड़े इसमें छोड़ दिए हैं। अभी मैं इसको अल्टी पल्टी करके सेक रही हूँ, सिम गैस है अभी मेरा। तो अभी मैं 2 से 3 मिनट हो गए थे मुझे सिम गैस पे इसको पकाए हुए, अभी अच्छे से फूल गए। अभी मैं कर दूँगी फास्ट गैस। फास्ट गैस पे देखिए इसका कलर अच्छे से ब्राउन हो रहा है और ये क्रिस्पी भी लगने लगे हैं। इनका जो आवाज़ है बहुत अच्छे से आ रहा है, क्रिस्पी हो चुके हैं और गोल्डन ब्राउन भी हो चुके हैं। अभी इनको निकालने का समय है, तो मैं इसको निकालूंगी। अभी कर रही हूँ प्लेटिंग। प्लेटिंग के लिए मैंने यहाँ पर टिश्यू पेपर रखा है क्योंकि ये डीप फ्राइड है और इसका एक्सेस ऑयल भी निकल जाएगा। और इनको अच्छे से सर्व कर लेना है। मैंने यहाँ पर सॉस के साथ खाने वाली हूँ इसको, आप मायोनीज भी इसके साथ रख सकते हैं। तो गर्मा गर्म पकौड़े हम प्लेट में सर्व कर रहे, बहुत गर्म है, मेरे हाथ को जल रहा है थोड़ा थोड़ा। देखिए बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो रहे। और जो मिर्च है हमने डीप फ्राई की हुई वो भी इसमें रख देंगे, क्योंकि मिर्च के बिना इसका स्वाद अधूरा सा है। तो देखिए फ्रेंड हमारे जो पकोड़े वो कितने माउथ वाटरिंग और टेम्पटिंग लग रहे हैं। अभी आप इसकी सुपर डुपर क्रंची क्रिस्पी आवाज़ भी सुन लीजिए। देखिए मैं इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ, तोड़ते समय भी इसका करारा सा आवाज़ आ रहा है। अंदर से देखिए कितने स्पॉन्जी हो गए हैं, है ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी है फ्रेंड, कब खाऊँ ऐसा हो रहा है। तो चलिए फ्रेंड प्लेटिंग तो हो गई, अभी इसका खाने का टाइम है, तो चलिए इसका टेस्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए हमारे पकोड़े बनकर रेडी है, इसको मैंने सॉस के साथ सर्व किया है। आप मायो के साथ भी खा सकती है, यानी कि मायोनीज के साथ, और हरी मिर्च भी है। अभी मैं इसको आपको टेस्ट करके बताती हूँ। अभी ये लिया पकोड़ा, इसको डिप किया सॉस में और ये गया, और ये रही हरी मिर्च, मजा आ गया। बहुत गर्म है और खाने में भी बहुत टेस्टी है, बाहर से क्रिस्पी है अंदर से सॉफ्ट है, एकदम स्पॉन्जी है। जरूर ट्राई कीजिए, और आपकी रेसिपी कैसी बनी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले, और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूले। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।